एक आदमी अपना अपार्टमेंट नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन फिर उसने जो किया वो आपको हैरान कर देने वाला है। क्योंकि मुसीबत के वक्त में बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही रास्ता चुन पाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, तो हमें कमेंट में बताएं। आगे जो उसने किया वो किस्सा इतना रोचक है, अब क्या किया उसने वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें पता चले कि आपका सपोर्ट हमारे साथ है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो कि अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। प्रॉपर्टीज को लेना, बेचना, इतने परसेंट का प्रॉफिट और बहुत कुछ। देखते ही देखते रियल एस्टेट हमारी जरूरत का एक हिस्सा भी बन गया है। हम सब कभी न कभी इससे जरूर जुड़ते हैं। कुछ ऐसे ही रीजन की वजह से लोग कई सालों तक पैसे जमा करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रेंट पर भी बहुत खुश रहते हैं। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक फ्रेंच आदमी जो कि अपने आप को इस रियल एस्टेट में फंसता हुआ समझने लगा, लेकिन उसने जो सॉल्यूशन निकाला वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारी कहानी है 34 साल के जर्मी बकहोल्ड की। पेरिस में कुछ सालों तक काम करने के बाद जर्मी बकहोल्ड ने सोचा अपने आप को उस जगह से अपने होम टाउन बुडरा शिफ्ट करना। दोस्तों, पेरिस इतना फेमस क्यों है ये हम सभी को पता है। यहाँ का सुहाना मौसम और नए नए जॉब ऑफर यंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। अब आम सी बात है, जितना महंगा शहर उतना ही ज्यादा रेंट और महंगाई भी। क्योंकि जर्मी बकहोल्ड एक फोटोग्राफर फ्रीलांसर था, तो उसको लगा कि अपने होम टाउन में प्रॉपर्टी खरीदना उसके लिए अच्छा होगा। साथ ही ये मामूली सी बात है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखा जब जर्मी ने अपार्टमेंट देखना शुरू किया जो कि उसके कम बजट और लाइफस्टाइल को सूट करे। ये अपार्टमेंट उसने साउथ वेस्ट फ्रांस में देखना शुरू किया। शुरुआत में जर्मी बकहोल्ड ने 25 स्क्वायर मीटर का एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया, जिसके लिए उसे हर मंथ 800 यूरोस देने थे। कुछ दिनों तक जर्मी ने इंटरनेट पर बहुत सारे अपार्टमेंट सर्च किए, लेकिन ऐसा कोई भी रियल एस्टेट नहीं मिला जो कि उसके बजट को सूट करे। और धीरे धीरे वो उम्मीद खोने लगा। जर्मी बकहोल्ड को ये बात पता थी कि अगर ऐसे बात नहीं बन रही है तो कोई और नया तरीका और नए ऑप्शन देखने होंगे। बहुत कुछ सर्च करने के बाद जर्मी को एक बहुत ही मजेदार एड मिला। जर्मी को एक बंद पड़ा हुआ गैराज मिला जो कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी था। ये गैराज बुहान में था, जहां गरोन रिवर अपने पतले से रोड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो बहुत ही ज्यादा पुराना था, जंग लगा हुआ था, साथ ही धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। साथ ही उसका प्राइस था 80,000 यूरोस। वो इससे संतुष्ट भी था, क्योंकि कहीं और सेम एरिया का लोग ज्यादा पैसे मांग रहे थे, जो कि उसके बस में नहीं था। जो लोगों को बिना काम का और जंग लगा हुआ दिखाई दे रहा था, वही जगह जर्मी को खाली कैनवस की तरह दिख रही थी, जहां पर वो अपने आइडियाज और डिजाइन लगा सकता था। साथ ही उसको वो फ्रीडम मिल रही थी जो किसी और प्रॉपर्टी से उसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जर्मी बकहोल्ड को विश्वास था कि ये वही जगह है जहां उसके सपने जरूर पूरे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एरिया जहां गैराज था वो लगभग 18 सेंचुरी का स्टेबल था, जहां पर घोड़े रखे जाते थे, और उसी जगह को रहने वाली जगह में बदल दिया गया था। यही सोच जर्मी ने भी अपनाई और सोचा क्यों ना इसे भी ऐसे ही बदल दिया जाए। ये जगह और भी ज्यादा मशहूर इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्टिस्ट रहते थे। जर्मी के जो दोस्त थे वो ज्यादा खुश नहीं थे और वो जर्मी को पागल समझ रहे थे ऐसी हरकत करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर पैसा लगाना पैसे की बर्बादी है। क्योंकि जर्मी के दोस्तों के हिसाब से ना तो वहाँ नेचुरल लाइट आ रही थी और ना ही वो लोकेशन अच्छा था, और उस गैराज के साथ ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। लेकिन कोई भी चीज या कोई भी बात जर्मी को ये काम करने से रोक नहीं पाई। जर्मी ने अपने दोस्त मैथ्यू और एक आर्किटेक्ट की हेल्प ली और ऐसा करने के बारे में उन्हें बताया। जर्मी ने उनसे पूछा कि कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बदला जाए। जब जर्मी के दोस्त मैथ्यू ने गैराज को देखा तो उसने जर्मी को बोला कि हाँ, हम इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे ही जर्मी और मैथ्यू ने इस प्रॉब्लम से राहत ली कि आगे एक और प्रॉब्लम उनकी राह देख रही थी। चूंकि ये गैराज बहुत पुरानी जगह पर था जिसको सिटी का हिस्टोरिकल पार्ट मानते हैं, इसलिए वहाँ कुछ लॉ थे और इस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते थे। ओरिजिनल दीवार और छत को नहीं बदला जा सकता था, बदला जा सकता था तो बस जंग लगा हुआ गेट। इसलिए दोनों दोस्तों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। दोनों ने जितने भी लीगल काम थे वो किए और फिर बढ़ गए आगे का काम करने के लिए और ड्रीम हाउस बनाने के लिए। गैराज के चारों ओर बिल्डिंग थी जिसकी वजह से कोई भी खिड़की नहीं थी,
इसलिए आर्किटेक्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला और बताया कि खिड़की की जगह हम बड़ा सा एक आंगन बना सकते हैं। सिर्फ 12 मीटर स्क्वायर का हिस्सा काट कर, वो भी एंट्रेंस के पास से, जहां पर विंडो फिट किया जाएगा जो कि रोशनी लाने में मदद करेगा। उन्होंने छत के बाहरी किनारों को बरकरार रखा ताकि बाहर से देखने में लगे कि दीवार और छत को नहीं तोड़ा गया है। इसके साथ ही जो खुला हुआ आंगन था वहां पर भी चेयर्स लगे हुए थे। जहां पर दीवारें थी वहां पर शीशे की खिड़कियां लगा दी गई, जिसकी वजह से हर जगह से हवा और रोशनी आ सके। एक आंगन जिसे एक स्लाइडिंग पाइन दरवाजे का उपयोग करके बंद किया जा सकता है, साथ ही उसे पार्किंग की तरह यूज भी किया जा सकता है, क्योंकि वो वहां की सिटी का लॉ था। सामने स्लाइडिंग दरवाजे से सूरज की किरणें भी आराम से आ सकती थी। इस गैराज को मॉड्यूलर सिस्टम में डिजाइन किया गया था ताकि गैराज का हर एक छोटा सा छोटा हिस्सा भी काम में आए। इन सब के बाद एक 41 स्क्वायर का लिविंग एरिया भी बनाया गया। जो लिविंग एरिया बनाया गया था उसमें किचन, छोटा सा डाइनिंग एरिया जहां छोटा सा शीशे का टेबल रखा था। किचन को एंट्रेंस के सामने बनाया गया है ताकि खाना बनाने की वजह से जो हीट आ रही है वो सीधा खिड़कियों से बाहर निकल जाएगी। डाइनिंग एरिया भी इस तरीके से बनाया गया कि एक साथ बहुत सारे लोगों को खिलाया जा सके। लिविंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब शेप्ड जगह बनाई गई थी जहां पर वॉशरूम बनाया गया था। साथ ही थोड़ा सा लिविंग एरिया का शेप कट करके जर्मी का वर्किंग स्पेस बनाया गया था, जहां पर एक डेस्क, एक चेयर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि एक फोटोग्राफर को नीड होती है वो रखा गया था। बाकी जो बचा एरिया था वहां पर स्टेयर्स बनाए गए थे जो कि सीधा बेडरूम में जाता है, जहां पर डबल बेड के साथ ही अलमीरा बनाई गई थी जो कि पहले लाइब्रेरी की जगह थी। बेडरूम की छत पर एक स्काई विंडो लगाई गई थी ताकि धूप आ सके, साथ ही ऐसी फीलिंग ना आए कि आप बंधे हुए हो या फिर बंद हो। घर को इस डिजाइन में बनाया गया कि हर एक जगह को, साथ ही एक इंच को भी अच्छे से यूज में लाया गया था। बाहर कहीं भी सामान न फैला रहे इसके लिए बेड में, काउच में, यहाँ तक कि सीढ़ियों में भी ड्रॉर बनाए गए थे। गैराज को स्टूडियो में तब्दील करने के लिए 140,000 यूरो लगे। ये पैसा रेनोवेशन के साथ साथ फर्नीचर के पैसे को मिलाकर था। जर्मी बकहोल्ड भी इस प्राइस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसे में वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का सारा काम खत्म हो गया, जर्मी बकहोल्ड ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। उसके दोस्त जो उसे एक वक्त पर पागल बोल रहे थे, इस तरह के बदलाव को देखकर वो दंग रह गए और जर्मी बकहोल्ड को स्टूपिड बोलने की जगह वो खुद स्टूपिड बन गए, क्योंकि जिस तरीके से गैराज को बदला गया था वो लग ही नहीं रहा था कि उस जगह कभी जंक भी लगी होगी। साथ ही उनके दोस्त भी इतने कम पैसे में वैसा कुछ नहीं कर सकते थे जैसा जर्मी बकहोल्ड ने किया। जर्मी बकहोल्ड की अलग सोच बहुत ही ज्यादा रंग लाई और उसी की सोच की वजह से वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कुछ अच्छा और कुछ अलग करने की सोच ला पाया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे वक्त में होप खो देते हैं और पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जर्मी बकहोल्ड ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और बखूबी पूरा भी किया। अगर वो इस चैलेंज को नहीं लेता तो वो अपने सपने का घर कभी नहीं बना पाता। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा जरूरी है कि आप चैलेंज को फेस करें, मुश्किलों से लड़ें और साथ ही कुछ बड़ा सोचें, क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आपने सुना भी होगा, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं और चैलेंज से लड़ते हैं और मुसीबत में हार नहीं मान लेते। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए, जर्मी बकहोल्ड जैसा कुछ सोचें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।